लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐन वक्त पर मारी पलटी, चौंक गई कांग्रेस व दंग रह गए तेजस्वी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर पार्टी का साथ देने का बिहारी बाबू ने फैसला लिया है। लगातार पार्टी पर हमलावर रहे शत्रुघ्न सिन्हा पर विपक्ष को भरोसा था। कांग्रेस को उम्मीद थी कि 2019 में टिकट कटने की आशंका वाले 43 सांसदों के पाला बदलेंगे। इस पाला बदलने में भाजपा के विद्रोही सांसदों का नेतृत्व बिहारी बाबू के करने की उम्मीद थी, लेकिन ऐन मौके पर भाजपा सांसद ने पलटी मार दी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐन वक्त पर मारी पलटी, चौंक गई कांग्रेस व दंग रह गए तेजस्वी। शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा के पक्ष में वोटिंग करने का लिया है निर्णय। फोटो ट्विटर। भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अन्य दिनों में अपनी पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अपनाए रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी उनके निशाने पर लगातार रहे हैं। पिछले दिनों कई बार ऐसा लगा कि शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस, राजग व आम आदमी के पाले में जाते दिखे हैं। हालांकि उन्होंने तमाम मौकों पर एक बार दोहराई है कि किसी भी स्थिति में वे पार्टी से अलग नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा ही उनकी पहली व अंतिम पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस व शत्रुघ्न सिन्हा के हाल में ही बेहतर दोस्त बने लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव चौंक जाएंगे। तेजस्वी ने तो शत्रुघ्न सिन्हा के लिए हर समय पार्टी का दरवाजा खुला होने की बात करके एक अलग राजनीति शुरू होने का इशारा भी किया था। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इस बार उन्हें पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से पार्टी का प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। इसको लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि वे पटना साहिब से ही लोकसभा चुनाव 2019 में उम्मीदवार होंगे। इसके लिए उन्होंने अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जाना शुरू कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई नोटबंदी व GST के विरोध में भी अपनी बात कही है। ऐसे में उन्हें मोदी सरकार के विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यह सोचने लगे थे कि इस बार वे PM नरेंद्र मोदी का जाल तोड़ने में कामयाब होंगे। शायद भाजपा के भीतर से मिल रही सुगबुगाहट के बाद ही UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पर्याप्त आंकड़ा जुटाने की बात कही थी। लोकसभा में जब बुधवार को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो सबकी नज़र शत्रुघ्न सिन्हा के अगले कदम पर लगी थी। माना जा रहा था कि वे मोदी सरकार के खिलाफ विद्रोही सुर को आवाज दे सकते हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसी उम्मीद लगाए कांग्रेस और खासकर राजद के तेजस्वी यादव को झटका दे दिया है। संसद परिसर में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उपस्थिति के संबंध में बिहारी बाबू ने कहा कि मैं संसद में उपस्थित रहूंगा, अपनी पार्टी व सरकार के समर्थन में वोट करूंगा। इससे साफ हो गया कि विपक्ष जो उनसे आस लगाए था, वे आस टूट चुकी है।